दोस्तों, अगर आप साल 2024 में इंटर पास किया है, इंटर पास करने के बाद अगर आप अपना फॉर्म को फिल कर दिए हैं, फॉर्म को फिल करने के बाद अपना स्टेटस को आप चेक करना चाहते हैं, तो हम आज की इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से आप अपना स्टेटस को चेक कर सकते हैं इंटर स्कॉलरशिप का। तो चेक करने के लिए यहाँ पर आपको आ जाना है यहाँ पर मेगाशॉप के इस वेबसाइट पर। मेगाशॉप के वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री बालिका माध्यमिक प्लस टू प्रोत्साहन योजना, एक यहाँ पर है मुख्यमंत्री मेगा वृत्ति अनुसूचित जनजाति के लिए प्रथम द्वितीय श्रेणी, प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी से आते होंगे तो इंटरमीडिएट प्लस टू उत्तीर्ण छात्राओं के लिए आवेदन करें। अगर आप प्रथम या द्वितीय श्रेणी से आते हैं, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से आते होंगे, तो यहां से आप क्लिक करके अपना चेक कर सकते हैं। अगर आप मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत मतलब कि अनुसूचित जनजाति से आते होंगे तो यहाँ से आपको क्लिक करना है। अगर आप ये अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से नहीं आते तो यहाँ से आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसका इंटर स्कॉलरशिप का वेबसाइट खुल कर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटर स्कॉलरशिप 2024 का ये वेबसाइट खुल कर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री बालिका माध्यमिक प्लस टू प्रोत्साहन योजना। तो चेक करने के लिए आपको क्या करना है, तो चेक करने के लिए यहाँ से आपको रिपोर्ट में आना है। रिपोर्ट में आने के बाद यहाँ से आपको क्लिक हेयर टू व्यू एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ से क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका इस तरह से आपको लोडिंग लेकर आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं व्यू एप्लीकेशन स्टेटस ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल करना है। जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा आपका एडमिट कार्ड या आपका जो रिजल्ट आया होगा उसमें भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हुआ, तो यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल करके यहाँ से सर्च वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप जैसे ही अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल करते हैं, उसके बाद यहाँ से सर्च जैसे ही करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ देर लोडिंग लेगा इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से आपको इंटरफेस खुल कर आ जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं करेंट स्टेटस यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर अपना देखने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आपका स्कूल का नेम आ जाता है, जो भी आपका स्कूल का नाम होगा यहाँ पर, और स्टूडेंट नेम यहाँ पर आपका नेम आ जाता है, और यहाँ पर अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेटस अगर आप फॉर्म को अभी नहीं फिल किए हैं तो यहाँ पर आपको कोई यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं बेनिफिशरी स्टेटस यू योर एप्लीकेशन हैज नॉट बीन सबमिटेड, मतलब कि आप फॉर्म जो है अभी नहीं भरे हैं, ये अभी फॉर्म नहीं भरे हैं, इसलिए इस तरह से यहाँ पर दिखा रहा है योर एप्लीकेशन हैज नॉट बीन सबमिटेड, ये अभी फॉर्म नहीं भरे हैं, तो इस तरह से दिखा रहा है। अगर आप फॉर्म भर देंगे तो यहाँ पर सबमिटेड दिखाएगा, आपका फॉर्म जो है सबमिटेड दिखाएगा, और यहाँ पर अपना अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेटस को देख सकते हैं, और यहाँ पर आप फाइनलाइज अप्रूव्ड होगा है या नहीं, तो यहाँ से आप ये इसका स्टेटस को यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ से एप्लीकेशन पेमेंट स्टेटस को यहाँ पर आपको दिखाएगा, यहाँ पर एप्लीकेशन पेमेंट स्टेटस दिखाएगा। तो इस तरह से अपना स्टेटस को आप चेक कर सकते हैं, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं। और ऐसे में अगर आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो किस तरह से चेक करना है, अनुसूचित जनजाति तो आपको फिर से आपको मेगाशॉप के वेबसाइट पर आ जाना है, मेगाशॉप के वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ से आपको मुख्यमंत्री मेगावृत्ति योजना अनुसूचित जनजाति अनुसूचित प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी से इंटरमीडिएट प्लस टू, तो यहाँ से आपको क्लिक करना अप्लाई फॉर ऑनलाइन 2024। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इसका SC ST का ये वेबसाइट खुल कर आ जाता है, मुख्यमंत्री मेगावृत्ति योजना ये SC ST का ये वेबसाइट खुल कर आ जाता है। तो चेक करने के लिए आपको क्या करना है, तो चेक करने देख सकते हैं रिपोर्ट पर भी जाकर हम यहाँ से क्लिक करते हैं, हाँ रिपोर्ट पर से यहाँ पर आ चुका है। रिपोर्ट पर आपको क्लिक करना है, रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से क्लिक हेयर व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करना है। तो यहाँ से आप जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपको इसी तरह से आपका इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल कर देना है, यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को डालना है, उसके बाद यहाँ से सर्च वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सर्च करते हैं तो इसी तरह से आपको इंटरफेस खुल कर आ जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर स्कूल नेम आपका नेम आ जाता है, यहाँ पर आपका अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेटस यहाँ पर दिखाएगा अगर आप फॉर्म को फिल कर देंगे तो, यहाँ पर ये फॉर्म नहीं फिल किए हैं इस तरह से यहाँ पर दिखा रहा है योर एप्लीकेशन हैज नॉट बीन सबमिटेड, मतलब कि ये फॉर्म को अभी नहीं फिल किए हैं, तो यहाँ पर फाइनलाइज नो भी दिखा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्म फिल तो नहीं हुआ है, तो यहाँ पर फाइनलाइज नो दो दिखाएगा ही, और यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस पेमेंट स्टेटस को यहाँ पर आप देख पाएंगे। अगर आप फॉर्म को फिल कर देंगे तो यहाँ पर आपका पेमेंट स्टेटस देख सकते हैं। तो इसी तरह से अगर आप देखना चाहते हैं SC ST या
सभी जाति का अपना एप्लीकेशन स्टेटस मिंट्रा स्कॉलरशिप का, तो इसी तरह से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक आवश्यक सूचना बताया गया है कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आवश्यक सूचना को अवश्य पढ़ लें। तो यहाँ पर आपका आवश्यक सूचना यह है कि सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि जिनका भी आपके बैंक खाता से सीडी और डीबीटी के लिए नहीं है वो बैंक से तुरंत संपर्क करें, क्योंकि आधार सीडिंग और खाता से आधार लिंक अलग चीज़ है। जिनका भी बैंक अकाउंट आधार के साथ सीडी नहीं है उनका भुगतान नहीं किया जाएगा। सभी छात्र अपना आधार संख्या जाँच लें, आपका आपके द्वारा दिया गया आधार संख्या से जो बैंक खाता सीड होगा पेमेंट उसी खाता में जाएगा, पेमेंट उसी खाता में जाएगा, ये आपको ध्यान में रख लेना है। अगर आपका बैंक अकाउंट में आधार के साथ सीडर नहीं है तो अपना जाकर करवा लेना है, अवश्य जाकर करवा लेना है, अवश्य जाकर अपना बैंक में जाकर करवा लेना है। और यहाँ पर अगर आप करवा लेते हैं तो आपका 15 दिन के बाद अपडेट हो जाएगा। बैंक खाता को आधार के साथ सीडेट करवाने के बाद न्यूनतम 15 दिन के तक इंतज़ार करें, आपका अकाउंट स्टेटस जल्द अपडेट किया जाएगा। मतलब कि अगर आप करा लेते हैं तो आपका 15 दिन के बाद आपका जो है इसमें आपका अपडेट कर देगा, अपडेट हो जाएगा, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा अपना पैसा आने में। तो जिनका भी भुगतान नहीं हुआ है और जिनका भी आधार के साथ सीडेट हो गया है कृपया इंतज़ार करें, एप्लीकेशन वेरिफिकेशन प्रोसेस में है। जिस बैंक खाता में दिया हुआ आधार के साथ सीडेट होगा भुगतान उसी खाता में होगा। अगर आप दो खाता खुलाए होंगे तो आपका एक खाता में आधार के साथ सीडिंग है तो उसी खाता में आपका पैसा चला जाएगा, ये आपको ध्यान में रख लेना है। अगर आधार संख्या गलत पाया गया तो स्टूडेंट का आधार संख्या नहीं होने पर वेरिफिकेशन के दौरान भुगतान रोक दिया जाएगा तथा साथ ही कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो यह यहाँ पर इस तरह से बताया गया है। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इस तरह से अपना एप्लीकेशन स्टेटस को चेक कर सकते हैं। अगर आप अपना आधार सीडिंग चेक करना चाहते हैं कि आपका जो है अकाउंट में आधार सीडिंग हुआ है ही नहीं, तो हम इसका डिटेल वीडियो बना दिए हैं। मैट्रिक और इंटर स्कॉलरशिप को दोनों को लेकर हम एक डिटेल वीडियो बना दिए हैं कि किस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपका नहीं होगा सीडिंग तो आप किस तरह से आप करा सकते हैं अपना बैंक पे जाकर, तो उसका भी हम डिटेल वीडियो बना दिए हैं, जहाँ इसका लिंक हम आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ से आप उस वीडियो का फुल वाच करके अपना देखकर अपना समझ लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही आपको अपडेट मिलते रहे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।